कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि एपीएमसी एक्ट को बिना चर्चा के खारिज कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। उन्होंने बताया कि तीनों कृषि कानूनों पर विधानसभा से प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए थे, लेकिन इन्हें भी रद्द कर दिया गया। एसवाईएल प्रमुख और चर्चा का मुद्दा है, जिसको बिना चर्चा के खारिज करना एक दुखद पहलू भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है, लेकिन भाजपा अपराध को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। वहीं उन्होंने 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के बिल को भ्रमित करने वाला भी बताया है। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, सरकार महंगाई को भी बढ़ने से नहीं रोक पा रही है। हरियाणा से कंपनियां पलायन कर रही हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी कहा कि सरकार को निवेश पर श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए। करें या वेट करने से पहले वैसे शुरू ना करो, क्योंकि फिर हम कहेंगे आपने टाइम पे बुलाया। 45 तो 11, अच्छा 11:45 हो गया। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है। जिस तरह से ये विधान बजट सेशन हमने शुरू करा है, और कल शुरुआती दौर में आपने देखा कि एपीएमसी एक्ट के ऊपर जो हम संशोधन लेकर आए, किस तरह से बगैर सुने उसको खारिज करके बाहर कर दिया, और ये कहा गया कि आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते। था क्या कि एक अमेंडमेंट ही है एक्ट का, जो किसानों की भलाई के लिए था। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।